हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एचपी टैट तथा अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और इसी तरह की स्टडी से रिलेटेड और वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन या औद्योगिक सत्याग्रह। जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में शुरू हुआ था। अब इस क्वेश्चन के से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 1922 तक चला हुआ था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की जो उपाधि मिली हुई थी वो वापस कर दी थी। क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस की थी, तो उसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस की थी, ठीक है जी। और ये आंदोलन जो था, ये चौरा चौरी की घटना, जो कि चौरा चौरी की जो घटना हुई थी 1922 में, उस घटना के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। कई बार पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में, जब महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, तब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के विशाल मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे? ऑप्शन है गुजरात के सोलंकी राजवंश, मालवा के परमार राजवंश, बुंदेलखंड के चंदेल या अजमेर के चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड के जो चंदेल थे, उन्होंने खजुराहो के विशाल मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या जोधपुर। जी, इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। लोथल आपका गुजरात में है, इससे कई बार क्वेश्चन निकलता है। रोपड़ पंजाब में है और जोधपुर भी राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन सा समाचार पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है सोम प्रकाश, संवाद कौमुदी, रस्त गोफ्तर या बंगाल गजट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारत का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति की शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है? ऑप्शन है भारवी, विशाखदत्त, कालिदास या भवभूति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास जो व्यक्ति थे, उनकी तुलना जो थी शेक्सपियर के साथ की जाती थी। ये एक बहुत बड़े साहित्यिक थे गुप्तकाल के। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ह्यून सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राज्यवर्धन या हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ह्यून सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसी क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे फाहयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में फाहयान ने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मनसबदारी प्रथा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है शेरशाह द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा या बहादुर शाह द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर द्वारा आरम्भ की गई थी। जहाँ तक शेरशाह का सवाल है, उन्होंने जी टी रोड का निर्माण करवाया था, और औरंगजेब जो थे उनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि एक ही क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन निकल सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है बलबन ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर इल्तुतमिश ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में, त्राइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। त्राइन का जो पहला युद्ध था वो था 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? जी ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी पुर्तगाली। भारत का समुद्री मार्ग जो था वो पुर्तगालियों ने खोजा था और साथ ही वास्को डी गामा जो थे वो पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 को पहला अणुबम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन है हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा। जी तो इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को पहला अणुबम जो था वो जापान के शहर हिरोशिमा में गिराया गया था और दूसरा जो गिराया गया था वो नागासाकी में ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था नागासाकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके अकबर द्वारा, फैजी द्वारा, अबुल फजल द्वारा, राजा टोडरमल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अबुल फजल द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। एचपी टैट में ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपी टैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथा नष्ट की थी कौन थे वो, जिन्होंने गुलामी प्रथा को नष्ट किया था यूएसए में? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, जेएफ कनेडी, गारफील्ड या अब्राहम लिंकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इब्राहिम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे जिन्होंने गुलामी प्रथा नष्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोम जल रहा था तब कौन राजा वंशी बजा रहा था? ऑप्शन है अचिलेश, नीरो, हिटलर या जूलियस सीजर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीरो। नीरो जो थे राजा जो थे वो बंसी बजा रहे थे जब रोम जल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन है राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का यह नारा है कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी कमीशन या टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा या बलबन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है जी, कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने और ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लेकिन इसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके विद्वान थे पाणिनि? ऑप्शन है आयुर्वेद के, भाषा और व्याकरण के, ज्योतिष के या जीव विज्ञान के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भाषा और व्याकरण। पाणिनि जो थे वो विद्वान थे भाषा और व्याकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई कब की थी? ऑप्शन है आपके 1009 AD, 1018 AD, 1025 AD या 1026 AD। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1025 AD। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया किस देश में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड।
यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो थी वो शुरू हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरलशिप के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग। जी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और ये किया था 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महमूद शाह, महमूद गबन, हसन गंगू या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह या अकबर और महाराणा प्रताप। जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये हुई थी 1556 ईस्वी में और इसमें अकबर की जीत हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। इस क्वेश्चन से भी 3-4 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर की जीत के साथ मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह और मराठों के बीच में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इतिहास का भाग 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।